दोस्तों, हम आपको हमारा YouTube चैनल गुरुवीरा टेक्सटाइल एंड फैशन टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स में हम आपको स्वागत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम नया डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा डिज़ाइन है मालूम है? ऑक्सफोर्ड व्यू, ए पॉपुलर व्यू है ऑक्सफोर्ड व्यू। हमारा चैनल में ऑलरेडी चल रहा है प्लेन व्यू, ट्वेल व्यू, सैटिन व्यू, बास्केट व्यू, ब्रोकन व्यू। अभी ये बाकी है और कुछ बाकी है डिज़ाइन। अभी ऑक्सफोर्ड व्यू में हम जानकारी देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। वो ऑक्सफोर्ड व्यू है ना, वो बहुत पॉपुलर है और ओल्ड भी है और सिंपल भी है। और मॉडिफिकेशन का कौन सा डिज़ाइन है? वो प्लेन व्यू, बेसिक व्यू, प्लेन व्यू, सादा व्यू के मॉडिफिकेशन है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। ये किसके लिए पॉपुलर है? ये ऑक्सफोर्ड व्यू डिज़ाइन का फैब्रिक को ऑक्सफोर्ड क्लॉथ शर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। शर्टिंग कपड़ा, शर्टिंग के लिए एक ऑक्सफोर्ड कपड़ा शर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। और हाउस होल्ड का, विंडो कर्टेन का, खिड़कियों का कर्टेन और टेबल का कर्टेन और दरवाजे का कर्टेन के ऐसा कुछ ना कुछ यूज़ होते हैं। इसमें क्या है, स्पेशलिटी क्या है, ऑक्सफोर्ड में स्पेशलिटी क्या है, हम देखेंगे। देखो, ये एग्जांपल क्या है, ऑक्सफोर्ड में बहुत काउंट कंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं, बहुत मॉडिफिकेशन है। इट डिपेंड्स अपॉन मिल से मिल फ़र्क पड़ते हैं और डिज़ाइन से डिज़ाइनर्स फ़र्क पड़ते हैं। उनका चॉइस है, डिज़ाइनर्स का चॉइस है, मिल का चॉइस है और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, कौन सा कलर का ऑक्सफोर्ड व्यू डिमांड में है। फोरकास्ट बनते हैं डिज़ाइनर्स ऑलवेज फोरकास्ट करते हैं कौन सा कलर्स, कौन सा काउंट, कौन सा फाइननेस वो ज़्यादा सेल होते हैं। ओके, हम एग्जांपल इधर दे रहा हूँ, 2x1 वो सादा है, रेगुलर है, और 2x1 प्लेन, 2x1 ऑक्सफोर्ड। देखो, 2x1 ऑक्सफोर्ड व्यू, ओके, 2x1 ऑक्सफोर्ड व्यू मीन्स 2 up 1 down ऑक्सफोर्ड व्यू। मतलब क्या है, इसमें वार्प कितना यार्न है, वार्प कितना यार्न, 2 ends, वार्प में 2 ends अप है और वेफ्ट में कितना पिक है, 1 pick है, 1 pick है। वार्प 2 ends और 1 pick, 3 yarn पार्टिसिपेट होते हैं ऑक्सफोर्ड व्यू में, मालूम है। और दूसरा क्या है इसमें, वार्प स्पेशलिटी क्या है, एक कलर का है, एक कलर यार्न ऑलवेज वो कलर यार्न यूज करते हैं, ओके ना। लेकिन ये यार्न के ये ऑलवेज वाइट रहते हैं, ए वाइट यार्न, दिस इज़ वन फीचर है, हम इधर मार्क कर रहे हैं, A1 ए फीचर है। और दूसरा फीचर क्या है, वार्प वेफ, वार्प यार्न 2 yarns है ना, वो 2 yarns टुगेदर साथ फ्लो होता है, ओके। ऑलवेज कितना है, वो फाइनर रहते हैं, थिनर रहते हैं, ए वार्प काउंट फाइन काउंट रहते हैं, फाइनर काउंट, ओके। लेकिन ए वेफ्ट है ना, एक कोर्सर काउंट रहता है, ऑलवेज कोर्सर काउंट, यूजुअली फाइनर एंड कोर्सर है। लेकिन समटाइम्स क्या होते हैं, 1:2 होते हैं, ये फाइनर काउंट, एक कोर्सर काउंट 10 है, हम अज्यूम करेंगे वो कोर्सर काउंट 10 है। इसमें कितना होता है, 5+5, ओके, 5, एक यान 5 है, एक यान 5 है, मतलब 5 काउंट स्पिनिंग में नहीं है,
स्पिनिंग में पांच काउंट नहीं बनाते हैं, लेकिन सिक्सेस काउंट, आठ काउंट, दस काउंट, बारह काउंट, चौबीस बनते हैं। लेकिन फॉर योर अजम्पशन हम क्या कर रहे हैं, अजम्प कर रहे हैं कोर्सर काउंट टेन हुआ तो फाइनल काउंट भी टेन होता है। लेकिन ये सिंगल काउंट है, ये सिंगल है काउंट है, इधर ए प्लाई काउंट है। प्लाई मीन्स छोड़ दो, दो यान है, टू यान्स, ओके ना, टू यान्स, ओके ना। लेकिन दिस इज अजम्पशन है, इसमें हम एक रेगुलर कंस्ट्रक्शन लेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्शन है, टू बाय ट्वेंटी प्लस टू बाय ट्वेंटी, ओके। देखो टू बाय ट्वेंटी, टू बाई ए वार्प काउंट है, ओके, इनटू वेफ्ट काउंट क्या है, टू बाई ट्वेंटी, टू बाई ट्वेंटी वो कितना है, दस काउंट लेंगे, ओके, दस काउंट इक्वल टू 88, नॉट इक्वल टू ए डेंसिटी कितना है, 88 इंटू 38 लेंगे। ए डेंसिटी है 88 एंड्स पर इंच है, दिस इज एंड्स पर इंच, ओके। ए 38 है पिक्स पर इंच, पिक्स पर इंच चलते हैं। टू बाई ट्वेंटी, टू बाई ट्वेंटी इंटू टेंस काउंट, ओके ना, ए रेगुलर काउंट है। ए ब्लू हम लेंगे, ए कलर का है, ब्लू है और रेड है और ग्रीन है, लेकिन ए टेंस काउंट है, वाइट रहते हैं, ओके ना, कोर्सर काउंट है। दिस इज होप यू अंडरस्टूड, ए बेसिक है, बेसिक व्यू है, ए बेसिक फीचर है, हम देखना पड़ेगा। हम अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी प्लान कैसा रहते हैं, लूम सेट करने के, लूम में वार्पिंग सेट करना, वार्पिंग वार्प बनते हैं, टू बाई ट्वेंटी, टू बाई ट्वेंटी का वार्प यान लेते हैं, वार्प बीम सेट करना और ड्रा करना, किस में, ए हील्स में, हील्स में और रीड में ड्राइंग करना, ड्राइंग करके कितना पिक्स, पिक्स पर मिनट, दैट इज पिक्स कौन सा पिक्स है, और लिफ्टिंग प्लान क्या है, ड्राइंग प्लान क्या है, व्यू क्या है। पहले देखेंगे हम व्यू, देखेंगे व्यू, देखो अभी क्या करेंगे, व्यू, ड्राफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान और व्यू देखेंगे, कैसा व्यू करेंगे। देखो हम टू अप वन डाउन है, टू अप मंथ्स कितना यान्स है, देखो ए पहला एंड है, ए दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, जस्ट, ओके। हम देखो एन एंड नंबर है, थर्ड नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, और विड्थ वाइज फैब्रिक, ओके, वो पिक है, पिक का नंबर क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हम सिक्स लेंगे और स्क्वायर चाहे तो स्क्वायर करेंगे, करेक्ट, एट बाई एट, आठ बाई आठ, ओके, सात और ये आठ है, आठवा आठ, ए वार्प एंड्स है, ये वेफ्ट पिक है, ओके, वेफ्ट पिक है, ऐसा। हम अभी पॉइंट करेंगे, फ्लोटिंग का मार्क करेंगे, क्या है मोटिफ, क्या है, इधर देखेंगे, पहला इधर मोटिफ लिखेंगे, इधर लिखेंगे मोटिफ, अच्छा है, सिंपल, रिपीट क्या है, डिज़ाइन का रिपीट, ओके, ए वन एंड है, ए दूसरा एंड है, ओके, टू अप, ओके, टू अप वन डाउन होता है, ओके, इधर टू अप वन डाउन होता है, ए रिपीट है, ओके, ए रिपीट है,
ए रिपीट मतलब ए मोटिफ कहते हैं हम, टेक्सटाइल टर्म में ए मोटिफ कहते हैं, ओके ना। 1 2 3 कितना ए रिपीट के लिए कितना चाहिए, 4 एंड चाहिए, 4 वार्प चाहिए, 2 पिक चाहिए, ओके। ए रिपीट है 2 अप 1 डाउन 1 डाउन 2 अप, ए रिपीट है, हम लिखेंगे इधर रिपीट रिपीट और मोटिफ लिखेंगे हम, मार्क करेंगे ए रिपीट। ए पहला रिपीट किधर है, 1 2 3 4 है इधर, 2 अप ओके, 1 डाउन इधर, 1 डाउन 2 अप, ये एक रिपीट है बस। ए स्क्वायर में कितना रिपीट होते हैं हम पटापट करेंगे, देखो 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन, ओके 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन, देखो 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप 1 डाउन 2 अप, ओके। ए व्यू प्लान है, फैब्रिक में ऐसा आता है, फैब्रिक में ऐसा प्लान है, एक क्या कहते हैं, एक प्लान है व्यू प्लान, ओके। हम नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है, हम कहते हैं ड्राफ्टिंग प्लान। ए प्लान को कैसा वार्प से, वार्प बीम से ड्रॉ करना, हील्ड में, हील्ड आईलेट में पास करके, रेड को पास करके टेक ऑफ में जॉइंट करना थ्रेड्स, ओके ना। देखो कितना है, 8 लेंगे इधर, ओके। लेकिन कितना हील्ड चाहिए, कितना हील्ड चाहिए ए व्यू करने के लिए, ए ऑक्सफोर्ड व्यू बुनाई के लिए कितना हील्ड चाहिए देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे एक हील्ड लेंगे, ओके। एक हील्ड में 8 थ्रेड पास करेंगे, पहला देखेंगे, हाँ पहला थ्रेड फ्लोट खो रहा है, ए फ्लाइला थ्रेड, ए 1 2 थ्रेड नंबर 1 2 5 6 ये दोनों एट ए टाइम लिफ्ट होना चाहिए, इसलिए हम इधर एक हील्ड यूज़ करेंगे, हील्ड नंबर 1 है, ए हील्ड नंबर 1 में 1 2 5 6 हाँ यान लिफ्ट होते हैं, शेड बनते हैं, शेडिंग फ्रॉम हील नंबर 1 1 2 एंड 5 6 यान से, और अलग अलग इस डिज़ाइन में, इस क्लास में हम इतना यान ले रहे हैं, ओके 1 2 एंड 5 इधर रहते, ओके ना। लेकिन 3 एंड 4 और 7 8 लिफ्ट नहीं होते, इसलिए हम वो 3 एंड 4 7 8 थ्रेड को लिफ्ट करने के लिए और एक हील्ड चाहिए, और एक हील्ड चाहिए। ये हील्ड कौन सा वार्प थ्रेड को लिफ्ट करते, ए 3 एंड 4 और 7 एंड 8 को लिफ्ट करते हैं, ओके ना। एक बार 1 लिफ्ट होते हैं, ओके। एक बार 1 लिफ्ट हुआ तो एक पिक इंसर्ट होते हैं, दूसरा बार सेकंड लिफ्ट, सेकंड हील लिफ्ट होते हैं, पहला लिफ्ट डाउन होते हैं, सेकंड पिक डालते हैं, ओके। फॉर ऑक्सफर्ड 2 हील्स आर एनफ। और नेक्स्ट ये सेम क्या है, लिफ्टिंग, ए इनको क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग प्लान कहते हैं, ड्राफ्टिंग प्लान, ओके ड्राफ्टिंग प्लान कहते हैं। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, लिफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान सेम है, लिफ्ट नंबर 1, ओके ये हील नंबर 1 एंड 2 है, इसमें हम लिख रहा है, ओके लिफ्ट, लिफ्ट नंबर 1 लिफ्ट नंबर 2, ओके ना। देखो एक सेकंड थ्रेड, फोर्थ थ्रेड, ये पिक्स है, ये क्या है मालूम है, ए पिक्स है, ए वार्प है ना, ए पिक्स है, ए पिक डालते हैं, पिक
नंबर ऑफ पिक्स है, पिक नंबर वन, पिक नंबर टू, पिक्स, पिक नंबर वन एंड पिक नंबर टू। देखो पहला पिक इंसर्ट करने के लिए ओके ए हील नंबर, ए हील नंबर वन लिफ्ट होना चाहिए। पहला पिक इंसर्ट करने के लिए दैट इज थ्रेड नंबर वन टू फाइव सिक्स इंसर्ट करने के लिए हील नंबर वन उठाना चाहिए और दो नहीं उठाते हैं, हम नहीं लिखेंगे, बस नहीं मार पाएंगे। और दूसरा पिक के लिए ए लिफ्ट करना, तीसरा पिक के लिए ए लिफ्ट, चौथा, पांचवा, आठवा, सॉरी सात, सात छः से सात आठ, यह है पिक। मालूम हो गया पहला पिक इंसर्ट करने के लिए, ये पहला पिक इंसर्ट करने के लिए ये हील नंबर वन उठाना चाहिए और दैट इज वो वन टू फाइव सिक्स शेडिंग बनाते हैं, इधर थ्री फोर सेवन एट थ्रेड सेकंड हील से उठाते हैं, ऐसा। मालूम हो रहा है ना, मालूम हो रहा है ना, ओके दिस इज हाउ द लिफ्टिंग प्लान है। इधर हम लिख रहे हैं ए लिफ्टिंग प्लान, ए लिफ्टिंग प्लान है ओके, ए वे प्लान है। हम जस्ट इधर मार्क करें, ये टेक्सटाइल का टर्म है, टेक्सटाइल का वो पैटर्न है, ए व्यू प्लान, ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान, ओके ना दोस्तों। कमेंट दे दो, एनी डाउट हुआ तो मेरे को यूट्यूब कमेंट्स में मैसेज दे दो, डाउट हुआ तो, एनी क्वेश्चन डाउट हुआ तो, एनी क्वेश्चन पूछने के लिए हमको टाइप करो, हम जरूर यूट्यूब में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हम जरूर आंसर करते हैं। वाट एवर द क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रहना हम आंसर देते हैं, ओके ना। देखो अभी आपको मालूम हो रहा है क्या ऑक्सफर्ड भी है, ऑक्सफर्ड भी क्या है, उनका ड्राफ्टिंग प्लान, व्यू प्लान और लिफ्टिंग प्लान क्या है, उसमें कलर क्या है, वाइट में पिक ऑलवेज वाइट रहते हैं, वार्प थ्रेड्स ऑलवेज कलर रहते हैं, और वार्प थ्रेड्स लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स वो फाइनर काउंट रहते हैं, थिनर काउंट रहते हैं, वो कोर्स पिक कोर्स रहते हैं, ओके दोस्तों। और क्या हम इधर हम क्या और एक जानकारी क्या है ये ऑक्सफर्ड व्यू में, वो एंड यूज रिपीट कर रहा हूँ, वो ऑक्सफर्ड व्यू को ज़्यादा ऑक्सफर्ड शर्ट्स, ऑक्सफर्ड क्लॉथिंग्स और बटन डाउन शर्ट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं। और फीचर बेनिफिट्स क्या है, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, हैंड फील वो ऑक्सफर्ड क्लॉथ बहुत सॉफ्ट रहते हैं पहने के लिए और कंफर्ट रहते हैं, समर में वो बहुत अच्छा है, समर शर्ट्स, समर शर्ट्स ओके ना। और क्या है, कंफर्ट है, कॉटन, ये 100% कॉटन से बहुत कंफर्ट रहते हैं। नमेडिस पॉलिस्टर भी मिक्स हो रहा है, पॉलिस्टर कॉटन भी कर सकते हैं, 80-20 पॉलिस्टर और 60-40 पॉलिस्टर में कर सकते हैं, और विस्कोस में और टेंसिल में, लॉयोसिल, मोडाल, विस्कोस, कुछ ना कुछ और एक कुकिंग करते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर वाला और फैशन डिज़ाइनर वाला, कैसा उनको मन में आता है ऐसा कुकिंग करते हैं, मसाला जैसे विस्कोस ऐड करते हैं, टेंसिल ऐड करते हैं, पॉलिस्टर ऐड करते हैं, नायलॉन ऐड करते हैं, ऑक्सफर्ड बनते हैं, क्या रिज़ल्ट आते हैं, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आते हैं, फैशन बनते हैं, वो टोटली वो डिज़ाइन इनोवेशन का है, रिसर्च का है, और फाइनली मार्केट में क्या सेल होते हैं, सेलिंग कौन सा डिज़ाइन सेल होता है, कौन सा फैब्रिक, कौन सा मार्केट में ज़्यादा कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर कैसा, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा कलर एक्सेप्ट करते हैं, दे वन पॉइंट है। और अलग और एक क्या है, टेस्टिंग रिजल्ट का है, कुछ कोई रिसर्च करो, कुछ ना कलर ऐड करो, कुछ ना फाइबर ऐड करो, लेकिन द टेस्ट रिपोर्ट, थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट जरूर फैब्रिक एंड कंज्यूमर के लिए, वो कंज्यूमर एंड कस्टमर, वो ग्राहक है ना, वो यूज़ करने के लिए टेस्ट रिपोर्ट पास होना चाहिए,
कलर यार्न डाइड यूज ऑक्सफर्ड में यार्न डाइड यूज़ करते हैं, हाँ वो पीस डाइड नहीं है उनको, यार्न डाइड यूजली कलर फास्टनेस अच्छा रहता है, कलर फास्टनेस पास होना और स्ट्रेंथ टेयर स्ट्रेंथ टेंसर स्ट्रेंथ पास होना और वेट मेंटेन करना सब है ओके। और बहुत बहुत पॉइंट्स हैं टेक्निकल पॉइंट्स, हम आप हमारा वीडियो देखते रहें, हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सब फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए, लेकिन ऑप्शन ऑल को दबाइए क्योंकि हर वीक में दो और तीन वीडियो हम रिलीज कर रहा है, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आना चाहिए, आपको नोटिस होना चाहिए ओके। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।